फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि औरत में जिंसी ख्वाहिशात किन वजूहात की वजह से जाती हैं, क्योंकि उस वक्त औरत की शहवत अरूज पर पहुंच जाती है और औरत की शहवत आने की दो अहम वजूहात होती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो खास एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाई गई है, बराए मेहरबानी इसका कोई गलत मतलब ना लिया जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर एक, तन्हाई में औरत हो या मर्द, दोनों पर शहवत तारी होने लगती है। अमूमन एक शादीशुदा औरत अगर अपना ज्यादा वक्त तन्हाई में गुजारे और शौहर के साथ हमबिस्तरी ना करे तो उसमें शहवत की ज्यादती होने लगती है और ऐसे में वो गैर मर्दों के साथ जिंसी ताल्लुक बना लेती है या फिर खुद लज्जती का शिकार हो जाती है। नंबर दो पर बात करते हैं, अगर कोई औरत तन्हाई में फहाश वीडियोज या तस्वीर देखती है या फिर लड़के लड़की को गैर हालत में देख लें तो उससे भी दोनों की शहवत जाग उठती है और बढ़ना शुरू हो जाती है और औरत की यही जिंसी शहवत उसमें सही और गलत की सूझबूझ को भी ख़त्म कर देती है और वो गलत रास्ते पर चल कर अपनी शहवत को ठंडा करती है। शादीशुदा औरत में कवारी औरत से ज़्यादा शहवत मौजूद होती है, क्योंकि शादीशुदा औरत को शादी के बाद हम बिस्तरी की लत लग जाती है और जब भी उस पर शहवत गालिब होती है ना, तो या तो अपने शौहर से उससे पूरा करती है और अगर उसका शौहर भी उसकी शहवत को ना ठंडा कर पाए तो वो शौहर की गैर मौजूदगी में गैर मर्दों के साथ अपनी जिंसी तस्कीन को पूरा करना शुरू कर देती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी। शुक्रिया।